पहले मैंने आपको कविता का भावार्थ समझाया था, अब हम दोबारा में, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम ग्रामर पढ़ेंगे, तो ग्रामर के अंदर हमारा टॉपिक है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर दो पैराग्राफ दिए हुए हैं, एक पैराग्राफ में पढ़ूंगी वो आप देखना और सेकंड पैराग्राफ में पढ़ूंगी वो आप देखना, दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे अनेकार्थ शब्द के लिए एक शब्द। अनेकार्थ का अर्थ होता है कुछ लंबे चौड़े शब्द जिसमें पूरा वाक्य बनाया गया हो, लेकिन वो अनेकार्थ बहुत सारे शब्द को एक शब्द में प्रस्तुत करना अर्थात अनेकार्थ शब्द कहे जाते हैं। तो यहाँ हम दो पैराग्राफ, एक बच्चे ने अपनी मैडम को एक पैराग्राफ लिखकर दिखाया है, आप उसे देखिए और मैं उसे पढ़ रही हूँ, ठीक है। मेरे दादाजी का नाम राम प्रकाश है, वे साग भाजी खाते हैं। देखिए इसके ऊपर मैंने अंडरलाइन किए, वे साग भाजी खाते हैं, उन्हें झूठ बोलने वाले, देखिए फिर से उस पर अंडरलाइन किए, झूठ बोलने वाले लोगों में नफरत है। फिर देखिए अंडरलाइन किए, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, ये पूरा वाक्य है। फिर आगे देखिए, उसे वे पढ़ाते हैं और वे इतिहास से संबंधित बातें भी बताते हैं, वे भाषा की जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं। तो जितनी चीज़ों पे मैंने अंडरलाइन किए आप जरा ध्यान से पढ़िए। अब जब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जिस जिस पे हमने यहाँ पर अंडरलाइन किए उन सब के हम एक शब्द लिखकर दोबारा उस पैराग्राफ को हम देखेंगे। दूसरा पैराग्राफ है, मेरे दादाजी का नाम राम प्रकाश है। अब वहाँ हमने साग भाजी दिया था, देखिए यहाँ पर क्या है उसका एक वाक्य क्या होगा, एक शब्द क्या होगा, शाकाहारी। मेरे दादाजी का नाम राम प्रकाश है, वे शाकाहारी हैं, उन्हें मिथ्याभाषी लोगों से नफरत है। जो अनपढ़ होते हैं उन्हें वे पढ़ाते हैं, वे उन्हें ऐतिहासिक बातें भी बताते हैं, ये भाषाविद व्यक्ति हैं। देखा हमने कि जो मैंने ऊपर अंडरलाइन की थी उसी के नीचे हमने उनके एक एक शब्द लिखकर आपको बताए हैं। अब आपको समझ में आया कि अनेक शब्द के एक शब्द किस प्रकार से बनते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेंगे। अनेक शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर आपको पूरी परिभाषा न याद हो तो आप इतना भी बोल सकते हो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने को ही अनेक शब्द के एक शब्द कहते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण हम देखेंगे कि यहाँ पर उदाहरण है और उसके एक शब्द किस प्रकार से दिए गए हैं। जिसे अनुभव हो, क्या बोलोगे आप सब, अनुभवी, वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे, जो क्षमा के योग्य हो, क्षाम्य। साग भाजी बनाने वाले, शाकाहारी। मांस खाने वाले, मांसाहारी। शरण में आया हुआ, शरणागत। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। अभिनय करने वाला, अभिनेता। जिसमें बहुत शक्ति हो, शक्तिशाली। जिसमें शक्ति न हो, शक्तिहीन। चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज। जो कम बोलता है, मितभाषी। जो झूठ बोलता है, मिथ्याभाषी। आगे हम देखेंगे अनेक शब्द लिखे हैं और उसके सामने हमने एक शब्द लिखा हुआ है, तो देखेंगे, जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक। तप करने वाला, तपस्वी। देश की भक्ति करने वाला, देशभक्त। देश में रहने वाला, देशवासी। दूसरे देश में रहने वाला, विदेशी। जिससे परिचय ना हो, अपरिचित। रचना करने वाला, रचयिता। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जो नगर में रहता हो, नागरिक। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। बहुत बड़े शरीर वाला, विशालकाय। विदेश में मंगाना, आयात। विदेश को भेजना, निर्यात। विदेश को भेजना, निर्यात। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। अचानक होने वाला, आकस्मिक। भाषा की जानकारी रखने वाला, भाषाविद। जिसकी बहुत चर्चा हो, बहुचर्चित। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। हर सप्ताह होने वाला, साप्ताहिक। हर वर्ष होने वाला, वार्षिक। जिसका आकार हो, साकार। जिसका आकार न हो, निराकार। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी।
जिसकी कोई सीमा न हो, असीम, साफ साफ कहने वाला, स्पष्टवादी, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, जिस दूर को सोचने समझने वाला, दूरदर्शी, जिसमें बल की कमी हो, निर्बल, जो किए गए उपकार को माने, कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को न माने, कृतज्ञ, जिसका नया नया जन्म हुआ हो, नवजात, जो सबका प्रिय हो, सर्वप्रिय, जो सबका प्रिय हो, सर्वप्रिय, जो गुप्त रखा गया हो, गोपनीय, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, जिसे सुनाई न देता हो, वधीर, जो बोल न सकता हो, मुक, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक, जिसे लज्जा न आती हो, निर्लज, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, जो मन की बात जानता हो, मनज्ञ, जो सबका कल्याण करता हो, कल्याणकारी, चारों तरफ चक्कर लगाना, परिक्रमा। लिखित क्वेश्चन आंसर अब हम देखेंगे आगे कि निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द में सही का निशान लगाना है। यहाँ पर तीन आंसर दिए हैं, आपको जो सही लगता है तीनों में से उसके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। तो देखेंगे हम पहला, जो सब कुछ जानता है, क्या आएगा? सर्वज्ञ, तपस्वी या सार्थक? सर्वज्ञ, वेरी गुड। चलिए आगे, देश की भक्ति करने वाला, देशभक्त, रचना करने वाला, रचयिता, जिसका आकार न हो, निराकार, जो बोल न सकता हो, मुक, चारों तरफ चक्कर लगाना, परिक्रमा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए नीचे दिए वाक्यों में से सही शब्द चुनकर लिखिए। जो वहाँ पर कोष्ठक में जो वर्ड दिए गए हैं, हमें क्वेश्चन पढ़ना है और उसके अंदर से उसके क्वेश्चन के सामने कौन सा आंसर आएगा वो आंसर के ऊपर हमें यहाँ सामने लिखना है। तो दूसरे देश में रहने वाला, विदेशी, जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य, जिसकी कोई सीमा न हो, असीम, जिससे शक्ति न हो, शक्तिहीन, हर सप्ताह होने वाला, साप्ताहिक, जो सबका कल्याण करता है, कल्याणकारी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। हर वर्ष होने वाला, वार्षिक, शरण में आया हुआ, शरणार्थी, जो सबका कल्याण करता हो, कल्याणकारी, विदेश से मंगाना, आयात, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, जो सबका प्रिय हो, सर्वप्रिय। क्वेश्चन नंबर फोर, एक शब्द को अनेक शब्द में लिखिए। जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला, अर्थात जिज्ञासा। दूसरा देखेंगे, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, अर्थात चतुर्भुज। तीसरा है जन्माद, जो जन्म से अंधा हो। कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला। स्पष्टवादी, साफ साफ कहने वाला। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निर्जल, हमें निर्जल नहीं होना चाहिए। आज्ञाकारी, राम आज्ञाकारी शिष्य है। दूरदर्शी, मेरी दादी जी दूरदर्शी हैं। वधीर, मिश्रा जी वधीर हैं। कृतज्ञ, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। यहाँ पर हमारा अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूरे हुए। अब आप लोग क्या करना है कि हमने जो यहाँ पर खाली जो जगह थी वहाँ पर हमने सभी आंसर लिख दिए हैं, आप लोग भी ये आंसर देखकर लिख लेना और याद कर लेना। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु।